कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान चिराग शाह, श्रीमती मीना शाह, पुत्र अनुज शाह, पुत्री डॉक्टर दिया शाह, दामाद शालिन शाह, फर्म विशाला ग्रोसरी स्टोर, ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, पूजा में भाव का बड़ा ही महत्व है। गले में हार का, घरों में कार का, मंदिर में द्वार का बड़ा ही महत्व है। रोटी में घी का, गर्मी में एसी का, तीर्थों में सम्मेश शिखर जी का बड़ा ही महत्व है। संगीत में स्वर का, पौधे में अंकुर का और देश में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। हिंदुस्तान में जबलपुर का इसीलिए महत्व है क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जैन समाज अगर कहीं है तो वो जबलपुर शहर में है। प्रदेश की राजधानी भले ही कहने में भोपाल हो, अगर भोपाल प्रदेश की राजधानी है तो जबलपुर भी संस्कार धानी है। और जबलपुर का इसीलिए भी महत्व है कि शहर के वासियों पर संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की विशेष अनुकंपा और उनका आशीर्वाद है। और इस शहर को आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब का मायका माना जाता है। जैसे लड़की शादी होने के बाद ससुराल जाती है और फिर घर वापिस आती है, ऐसे ही आचार्य श्री चाहे दमोह चले जाए, चाहे सागर चले जाए, चाहे अमरकंटक चले जाए, पर घूम फिर करके फिर जबलपुर वापिस आते हैं। मानवर ये शहर इसीलिए महत्वपूर्ण है, आचार्य श्री का सानिध्य, उनकी प्रेरणा, उनका व्रत हस्त यहां के वासिंदों को, श्रद्धालुओं को, धार्मिक जनों को, संत निष्ठ श्रावक श्राविकाओं को वक्त वक्त पर मिलता रहता है। याद रखना, मैं लोगों से अपील करता हूं कि संत का आना नगर में, संत का आना भाग्य है, संत का अपने घर में आना अवभाग्य है। संत का नगर में आना भाग्य है, संत का अपने घर में आना अवभाग्य है। संतों को याद करना सौभाग्य है, संत हमें याद करे यह महाभाग्य है। नगर में संत का आना भाग्य है, संत का अपने घर में आना अवभाग्य है, संत को याद करना सौभाग्य है, संत हमें याद करे यह महाभाग्य है, खुद संत हो जाना यह परम भाग्य है, इतना होने पर भी हम ना सुधरे तो यह दुर्भाग्य है। भाग्य अवभाग्य परम भाग्य महाभाग्य परम सौभाग्य सब कुछ हमको मिलता है, फिर भी हम ना सुधरे तो गई भैंस, नहीं पानी में नहीं जाएगी तो यहां तरुण सागर कुछ नहीं आएगी क्या? वो भेष हमारा मन है, वो भेष और कोई नहीं, हमारा मन है,
हजार बार सुनते हैं, लाख बार सुनते हैं, लेकिन जिस समय तक पंडाल में रहते हैं लगता है मुनि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पंडाल से बाहर निकले, अरे भैया महाराज का काम तो कहने का है। वो कुत्ते की पूंछ होती ना, कुत्ते की पूंछ के बारे में कहा जाता कि 12 साल कुत्ते की पूंछ को बांस की पोंगरी में डाल के रखो, 12 साल बाद बांस की पोंगरी से कुत्ते की पूंछ को बाहर निकालो तो टेढ़ी की। आदमी का मन भी तो वैसा ही है, आदमी का मन वैसा ही हजार बार सुनता है, लाख बार सुनता है, सुबह शाम सुनता है, आठों आप सुनता है, लेकिन अगर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो मुझे लगता है आदमी का मन भी कुत्ते की पूंछ के जैसा सीधा है, लाख बार समझाने के बाद भी वहीं जाता है जहां जाने के लिए ऋषियों ने, मुनियों ने, सद्गुरुओं ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने, धर्म ने, धर्माचार्यों ने, महापुरुषों ने मना किया, फिर भी ये मनुष्य का मन बार बार उधर ही भागता है। जीवन के लिए कितना सुना यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितना जीवन में उतारा यह महत्वपूर्ण है। एक भाई कह रहे थे मुनि जी 2 घंटा बोला करो, ऐसे बोल रहे थे जैसे मेरा बाप बोल रहा है। कितना सुना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना उतारा ये महत्वपूर्ण है। अगर आदमी उतारने लग जाए तो एक ही संबोधन पर्याप्त है। मैंने बहुत सारे संबोधन प्रवचन नहीं सुने, गुंची छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा गांव, वहां मैं पैदा हुआ और जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, ग्रस्त जीवन के पिता, बहुत बहुत बड़े घराने से नहीं थे, मैं कोई रशीश घर में पैदा नहीं हुआ, एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। इस शरीर के कृष्ण जीवन के शरीर के पिता एक छोटे किसान थे, स्कूल से पढ़ करके गांव घर वापिस जा रहा था, क्योंकि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ 5वीं तक स्कूल था, 6वीं कक्षा और आगे की कक्षाओं के पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर दूर जलौन गांव नाम से गांव वहां आना पड़ता था। उस गांव में स्कूल की छुट्टी के बाद वापिस जा रहा था तो बचपन में मुझे जलेबी बहुत पसंद थी। अब इसका यह मतलब नहीं कि रोज मेरे पास जलेबी लेके आ जाओ, बचपन की बात कर रहा हूं। वापिस जाते समय होटल में बैठ करके जलेबी खा रहा था, कुछ दूरी पर आचार्य पुरुषोत्तम सागर जी महाराज साहब का संबोधन प्रवचन चल रहा था और उन्होंने कहा कि तुम भी भगवान बन सकते हो। एक शब्द मेरे कान में पड़ा कि तुम भी भगवान बन सकते हो, और मैं उसी दिन से भगवान बनने के लिए निकल पड़ा। घर जाकर मैंने कहा कि मुझे मुनि जी के साथ जाना है, मुझे भी भगवान बनना है, दीक्षा लेना है। बाप ने मुझे डांटा कि ढंग से अभी कपड़े पहनना तो आए नहीं, कपड़े उतारने की बात कर रहे, लेकिन याद रखना कल एक सज्जन कह रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि दान, बैराग और आत्महत्या ये झटके से होते हैं, दान, बैराग और आत्महत्या ये झटके से होते हैं। कर लिया तो कर लिया, और रह गए तो अगर आत्महत्या करने वाला सोचने लगे मैं मरूं कि नहीं मरूं, मरने के बाद मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, अगर इतना सोचने लग गया आत्महत्या, अरे दान करने वाला सोचने लगा करूं ना करूं, करूं ना करूं, वो कर ही नहीं सकता। और याद रखना ब्याज का धंधा करने वाला कभी दान नहीं कर सकता, ब्याज का धंधा करने वाला दान नहीं कर सकता। क्यों? वो विचार करेगा अगर मैंने 10,000 रुपए का दान किया इसी 10,000 रुपए से साल भर में
मुझे इतना ब्याज मिलेगा, तो विचार करता है इस साल छोड़ो अगले साल करूंगा। दान वैराग। एक भाई कह रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आपको वैराग हो रहा था, क्या हुआ? बोले वैराग आ रहा है। आ रहा किस्त भाई किस्त, ऐसा नहीं आता। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से उगते हुए सूरज को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक इसी तरह अगर आदमी के मन में वैराग आ गया तो परिवार का कोई सदस्य उसे रोक नहीं सकता है, माया की बेड़ियों में बांध नहीं सकता है। एक प्रवचन आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज साहब का सुना और जीवन बदल गया। तो याद रखिए, कितना सुना ये महत्वपूर्ण नहीं, कितना जीवन में उतारा ये महत्वपूर्ण है, कितना खाया ये महत्वपूर्ण नहीं, कितना पचाया ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। और जीवन में वक्त वक्त पर इसे जीना है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए मैं लोगों से अपील करता हूं, अपने आप को आप संभालिए। दूसरे को संभालना आपके बस का काम नहीं है। परिवार में रहे, प्रेम से रहे, प्रेम प्रेम को खींचता है। हम दुनिया से जो चाहते हैं दुनिया को लुटाना शुरू करो। अगर आज आपने पड़ोसी के घर नमकीन भेजा है तो कल पड़ोसी के घर से मिठाई आएगी, और अगर आज आपने पत्थर फेंका है तो कल पड़ोसी की यहां से गोली आएगी। आज आपने पड़ोसी के घर नमकीन भेजा है तो कल मिठाई आएगी, पत्थर फेंका है तो गोली आएगी। ये आदमी को तय करना चाहिए वो क्या चाहता है। थोड़ी सी जिंदगी, दो दिनों की जिंदगी, और दो दिन की जिंदगी में एक दिन मौत का होता है। अब बचा एक दिन, और एक दिन की जिंदगी पर आदमी इतना क्यों अकड़ता है? लोगों से सवाल करता हूं, कहने वालों ने कहा कि चार दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात, और समझदार लोग उन्होंने कहा कि दो दिन मांग कर लाए थे, एक दिन इंतजार में कट गया। और आगे मैं बात करूं तो अब बचा एक दिन की जिंदगी, आदमी इतना क्यों वह करता है? अरे मरने के बाद आदमी की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। मरने के बाद जो कुछ बचेगा वो एक मुट्ठी राख। अब आदमी इतना क्यों वह करता है? आदमी को सोचना चाहिए। इसलिए थोड़ी सी जिंदगी में घृणा नहीं, नफरत नहीं, द्वेष नहीं, विद्वेष नहीं, प्रेम। आप जितना लुटा सकते हो लुटाओ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। मेरे पास से सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, मगर मेरे पास से देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास आने वाला यहां से मुस्कुराता हुआ जाए, यहां से हंसता हुआ जाए, ये मेरा प्रयास होता है। क्योंकि मैं मुस्कुराहट भी दे सकता हूं, मुस्कुराहट का दान ही कर सकता हूं। एक पति ने गुस्से में आकर के पत्नी को थप्पड़ मार दिया, गुस्से में थप्पड़ मार दिया। बाद में उसे लगा ये ठीक नहीं किया, ये मैंने ठीक नहीं किया। तो उस आदमी ने अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान आदमी उसी को थप्पड़ मारता है जिससे वो प्यार करता है। पत्नी ने इतना सुना, एक थप्पड़ दिया और बोली, क्या तुमको लगता है कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है? मैं आपसे निवेदन करूं, थप्पड़ वाला प्रेम नहीं बल्कि पप्पड़ वाला प्रेम। पप्पड़ बुंदेलखंडी भाषा आप समझते हैं, पापा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के विकास के लिए आप सुबह जब सोकर के उठें
तो बाग लगाने का काम करिए, आग लगाने का काम मत करिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सुबह उठते ही आग लगाने का काम करना शुरू कर देते हैं। सुबह उठे आग लगाने का काम करें, सुबह उठे चीखिए मत, चिल्लाइए मत, गुस्सा करना ही है तो 12 बजे बात करो, क्योंकि गुस्सा तो तुम करोगे, मानोगे तो नहीं, पर इतना तो मानो कि क्रोध करना ही है, सुबह मत करिए। बच्चे से कोई गलती हो जाती है, नजरअंदाज कर दे। परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती हो जाती है, नजरअंदाज कर दे। सुबह से चीखिए मत, चिल्लाइए मत, क्रोध मत करिए। क्रोध करना ही है तो दोपहर के 12 बजे बाद आप स्वतंत्र नागरिक, भारत के स्वतंत्र नागरिक है, आप क्रोध कर सकते हैं, मगर 12 बजे बाद, सुबह से नहीं, थोड़ा थोड़ा। जीवन को बदलना जरूरी है। कलह भी होती है, परिवार में कलह भी होती है, कलह प्रेम पूर्ण होना चाहिए। क्रोध कर सकते हैं, क्रोध अगर करना ही जरूरी हो, सात्विक क्रोध करिए। सात्विक क्रोध, कभी कभी बच्चे को समझाने के लिए मां को बच्चे पर हाथ उठाना पड़ता है। शांत रहे, इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा बिगड़ता जाए और आप चुपचाप बैठ रहे, नहीं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि बच्चों को सिर्फ बुरी नजर से मत बचाइए, बच्चों को बुरी संगत से भी बचाइए। इसे केवल बुरी नजर से नहीं बचाना है, बुरी संगत से भी बचाइए। अगर आज आप अपने बच्चों को बुरी संगत से नहीं बचाते हो, तो कल आपको बड़े बुरे दिन देखने पड़ेंगे। बच्चे तो सीधे साधे होते ना। कहने वालों ने कहा कि पान का गीला पत्ता है, जिधर मुड़ो उधर मुड़ जाएगा। जो बच्चे देखते हैं वो सीखते हैं। कहने वालों ने कहा कि बच्चे मिट्टी का गीला लोना होता है, जैसा डालो वैसा डल जाएंगे। आप संभालिए बच्चों को, आप संभालिए। अगर कोई बच्चा स्कूल से अपने साथी का पेन चुरा कर लाता है, पेन चुरा कर लाया और माँ को दिखाया और माँ ने कहा शाबाश बेटे, तो समझ लेना कि उस बेटे को माँ ने डाकू बनने का आशीर्वाद दे दिया। डाकू बनने का आशीर्वाद, और वही पेन चुरा कर लाता है, माँ को दिखाता है, माँ को देख करके एक थप्पड़ दे दी, खबरदार अब कभी ऐसी हरकत की तो। वो थप्पड़ थप्पड़ नहीं होता है, महात्मा गांधी जैसा संत बनने का आशीर्वाद होता है। वो थप्पड़ थप्पड़ नहीं होता है। इसलिए मेरी पुस्तक कड़वे प्रवचन, आप और कुछ पढ़े ना पढ़े, इसको एक बार जरूर पढ़िए। 5 वॉल्यूम, 6 लाख से अधिक पुस्तकें अब तक इसकी लोगों ने खरीद कर पढ़ी, खरीद कर। धार्मिक पुस्तक के लिए कोई 10 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहता, हकीकत यह है। 125 रुपये की पुस्तक, 6 लाख पुस्तकें पूरे देश में 6 भाषाओं में पढ़ी जा रही है। वक्त मिले सो पढ़िएगा। इसमें मैंने लिखा है आप बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। आजकल बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो रहे हैं, उन बच्चों के सवाल का जवाब देना कभी कभी बड़े लोगों को भी मुश्किल हो जाता है। कबीर जा रहे थे, सामने से एक बच्चा आ रहा था, कबीर के हाथ में पुस्तक थी, बच्चे के हाथ में एक दिया था, इधर से कबीर उधर से बालक, दोनों का आमना सामना हुआ। कबीर को इस बात का थोड़ा गरूर हो गया होगा कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, सारी दुनिया मुझे ज्ञानी समझती है। इधर से कबीर उधर से बालक, दोनों का आमना सामना हुआ, तो कबीर ने बालक से कहा, बोल बालक इस दिए में ज्योति कहां से आई। अब कबीर के दार्शनिक प्रश्न को 4-5 साल का बच्चा क्या समझे, लेकिन कबीर ने उस बालक से कहा कि बोल बालक इस दिए में ये ज्योति कहां से आई।
बच्चा सत्व का गया, अगले ही क्षण संभला, बच्चे ने फूंक मार के दिया को बुझा दी और बोला, बोल कबीर इस दिया की ज्योति कहां गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान चिराग शाह, श्रीमती मीना शाह, पुत्र अनुज शाह, पुत्री डॉक्टर दिया शाह, दामाद शालिन शाह, फर्म विशाला ग्रोसरी स्टोर, ह्यूस्टन टेक्सास USA।